हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे क्लासेस। आई एम सीए सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फ्रेम जर्नल एंट्रीज ऑफ इनकम रिसीवेबल एंड एडवांस इनकम रिसीव्ड। अगर कोई इनकम ड्यू हुई है लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं है, उसकी जर्नल एंट्रीज, और अगर हमने अगले साल की इनकम एडवांस में रिसीव कर लिया है तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे फ्रेम करते हैं, उसके पीछे जो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसके बेस पे ये एंट्रीज रहती हैं, तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछली दो वीडियो से हमने ऑलरेडी बात की हुई है मैचिंग कंसेप्ट की हमने बात की हुई है, जिसमें हमने बताया कि जो इस साल का खर्चा है, जिस साल की इनकम है, उसको उसी साल में डालना है, चाहे वो खर्चा पे किया है चाहे नहीं पे किया है। अगर जिस साल की इनकम है उसको इनकम को उसी साल में डालना है चाहे वो इनकम रिसीव की है या नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल है कि मैंने किसी से रेंट रिसीव करना है और रेंट रिसीव जो है वो मैंने 12 मंथ्स का जो है रिसीव करना है। पूरे साल के दौरान मैंने जो रेंट रिसीव किया 8 मंथ्स का मैंने जो है रेंट रिसीव किया है, 4 महीने का जो है रेंट मैंने रिसीव नहीं किया है। तो मैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करूंगा, नॉट रेंट रिसीव। मैंने कितने महीने का रेंट रिसीव नहीं किया है, मैंने 4 महीने का रेंट रिसीव नहीं किया है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगी, सबसे पहले जो मैंने रेंट रिसीव कर लिया है उसकी एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 8 मंथ्स का। मैंने 8 महीने का जो है रेंट है वो मैंने रिसीव कर लिया है, लेकिन जो 4 महीने का रेंट जो है वो मैंने रिसीव नहीं किया, उसकी 31 मार्च को जो उसकी एंट्री डलेगी, उसकी डलेगी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट रेंट को, और ये 4 मंथ की हमारी एंट्री आ गई। तो जो हमारा रेंट अकाउंट है वो हमारा टोटल 8 और 4 12 महीनों के साथ क्रेडिट होगा। ये हमें मैचिंग कंसेप्ट बता रहा है कि इसमें हमने रेंट रिसीवेबल एक अकाउंट खोल देना है जो हमारा करंट एसेट है। तो एंट्री बनेगी रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रेंट, और ये हमने 31 मार्च को एंट्री डाल देनी है। अगले साल में जब मैंने ये रेंट रिसीव कर लिया, अगले साल में या उससे अगले साल जब भी ये रेंट रिसीव किया है नेक्स्ट ईयर में, तो मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट या कैश में, जैसे भी रेंट आया, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीवेबल अकाउंट जो मैंने किताबों में करंट एसेट क्रिएट किया था वो जो है यहां पे जाके किताबों से बाहर निकल जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो अगले साल जो है वो खर्चा, अगले साल का वो रेंट नहीं है, रेंट का था वो पिछले साल का था, हमने उसको पिछले साल की इनकम में दिखा दिया है। तो रेंट रिसीवेबल खाता क्रिएट किया था, उस अकाउंट को मैंने यहाँ पे जो क्रिएट किया था उसको खत्म कर दिया और बैंक में पैसे रिसीव कर लिए। तो इस तरीके से अगर मेरी कोई भी इनकम है जो मैंने ड्यू हो चुकी है लेकिन रिसीव नहीं किया है, उसको इस तरह से रिसीवेबल खड़ा करके इनकम को मैंने क्रेडिट कर देना है, और जब अगले साल मैंने वो रेंट रिसीव कर लिया है तो रेंट रिसीवेबल को या कोई भी और भी इनकम है इनकम रिसीवेबल को क्रेडिट करके उस इनकम को रिसीव कर लेना। ऐसे ही अगर मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है, जैसे मैंने मान लो मैंने रेंट जो है वो रिसीव कर लिया 14 मंथ्स का मैंने रेंट जो है रिसीव कर लिया है, तो इस केस में मैंने जो एडवांस रेंट है, मैंने एडवांस रेंट जो है वो 2 मंथ्स का जो है रिसीव कर लिया है, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। अब हम एडवांस इनकम जो रिसीव्ड है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो जब मैंने 14 महीने का रेंट रिसीव कर लिया तो मेरी एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितने 14 मंथ्स का। तो मैंने 14 मंथ्स का जो है रेंट रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि जो रेंट है वो 14 महीने के साथ क्रेडिट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 मंथ्स के साथ, क्योंकि 2 महीने का जो रेंट है वो अगले साल से रिलेटेड है, 2 महीने का जो रेंट है वो अगले साल क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 31 मार्च को मैं जो ये रेंट 2 महीने का है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, रेंट को मैं 2 मंथ के साथ डेबिट कर दूंगा और क्रेडिट करूंगा एडवांस रेंट रिसीव्ड। एडवांस रेंट रिसीव्ड जो है
वो 2 मंथ के साथ क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे रेंट जो था वो 14 मंथ के साथ क्रेडिट हुआ था, यहाँ पे जो रेंट है वो 2 मंथ के साथ डेबिट कर दिया, तो नेट जो रेंट रह गया वो 12 मंथ का क्रेडिट हो गया इस साल में। और एक ये मेरी क्या बन गई, ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी कैसे है कि मैंने अगले साल की इनकम एडवांस में इसी साल रिसीव कर लिया है, तो ये मेरी एक लाइबिलिटी है, एक देनदारी है। अगले साल में जब ये नेक्स्ट ईयर जो है, जब ये वाला जो रेंट है ये ड्यू हुआ, तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, जो मैंने एडवांस रेंट रिसीव को क्रेडिट किया था, एडवांस रेंट रिसीव्ड जिसको मैंने क्रेडिट किया था, अब उसको कर दूंगा मैं डेबिट, और अगले साल में रेंट अकाउंट को मैं करूंगा क्रेडिट कितने, 2 महीने के साथ। तो अगले साल में 2 मंथ जहां पे जो क्रेडिट किए थे, यहां पे एडवांस रेंट रिसीव 2 मंथ को डेबिट किया, किताबों से एडवांस रेंट रिसीव जो है वो राइट ऑफ हो गया, और अगले साल में जो मैंने रेंट है वो 2 मंथ के साथ क्रेडिट कर दिया, ये मेरी अगले साल की इनकम काउंट होगी। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, हमने मैचिंग कंसेप्ट को भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बेस पे हमने सीखा कि एडवांस इनकम रिसीव्ड और इनकम रिसीवेबल, इनकम अगर रिसीवेबल है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, और अगर एडवांस में मैंने इनकम रिसीव कर लिया है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, इस वीडियो में हमने ये आज सीखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।